हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हो चुके हैं अपनी 10th of August, ट्यूसडे रहता है अपना ऑफ। तो आज अपन जा रहे हैं आप लोगों को लेके, मैं और धर्मेंद्र भैया। हमारा 2-4 दिन से पहले से ही प्लान सेट था कि कहीं निकलते हैं। तो आज अपना प्लान सेट हो चुका है, आज अपन निकल रहे हैं भानगढ़ के लिए। तो होप करता हूँ आज का व्लॉग आपके लिए बहुत हॉरर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पहले मेरा मन था कि हायाबूसा लेके जाऊं, बट नहीं लेके जा सकता, क्यों? कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज भी शायद से मौसम बन रहा है। तो मुझे थोड़ा वाटरप्रूफ केसिंग वगैरह की नीड होगी, क्योंकि मेरे साथ कैमरा होगा, गोप्रो होगा, मेरे फ़ोन्स वगैरह होंगे। तो आज अपन लेके चल रहे हैं अपनी हिमालयन, उस पर लगा देता हूँ मैं आज अपना टॉप बॉक्स। हिमालयन की चेन खिरखिर 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 कर रही है। आज अपन यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमा। जी हाँ, ये है मैक्सिमा का चैन गार्ड। ये आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए, लाइक वेन एवर यू आर ऑन अ हार्ड ट्रेल्स लाइक लद्दाख, स्पिति, और बरसात स्लश वगैरह ज़्यादा होता है ऑफ रोडिंग टाइप में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आता है चैन गार्ड, सिंथेटिक चैन गार्ड है ये, सिर्फ ऑफ रोड स्ट्रीट पर यूज़ होता है। बट इसकी जो परफॉर्मेंस यूज़ होती है वो होगी मेनली आपकी ऑफ रोडिंग पर। जी हाँ, स्ट्रीट के लिए बिल्कुल अलग आता है, वो आता है चैन वैक्स। जी हाँ, मैं जो भूसा पे यूज़ करता हूँ नॉर्मल स्ट्रीट्स वगैरह पर, जब नॉर्मल एक मौसम होता है, धूप निकल रही हो या कैसा भी है, ठंड वंड में, तो उसमें यूज़ करता हूँ मैं चैन वैक्स। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी, ये है चैन वैक्स, ये अपन यूज़ करते हैं भूसा में, हिमालयन में भी जब बरसात वगैरह नहीं होती है तब अपन ये यूज़ करते हैं, और बरसात वगैरह में अपन यूज़ करते हैं चैन वैक्स। जी हाँ, मुझे, मैंने लिकी मोली यूज़ किया हुआ है, मैंने प्यूटोलाइन यूज़ किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे नहीं हैं, बट बहुत अच्छे हैं, बट मुझे खुद से जो पसंद आया वो ये है मैक्सिमा। जी हाँ, इसी का ही मैं क्लीनअप यूज़ करता हूँ, मैक्सिमा का ही मैं यूज़ करता हूँ क्लीनअप। जी हाँ, क्लीनअप भी अपना इसी का चैन पहले साफ़ करनी होती है, उसके बाद अपन ये यूज़ करते हैं मैक्सिमा का ल्यूब। इसको अपन ल्यूब कह सकते हैं, जो अपन अगर देसी भाषा में कहा जाए तो ऑयलिंग कह सकते हैं कि चेन में ऑयलिंग करनी है। बट अपन यूज़ करते हैं पहले क्लीनअप, देन आफ्टर ये। एक आती है इसकी वाटरप्रूफ ग्रीस। वाटरप्रूफ ग्रीस इज़ लाइक अनदर लेवल। वो भी अपन सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग होती है, वो होती है वाटरप्रूफ ग्रीस। जी, ये मैक्सिमा की ग्रीस, ये होती है वाटरप्रूफ। हाँ, ये अपन यूज़ करते हैं जी जब बहुत ज़्यादा स्लश होता है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग होती है, बिल्कुल बरसात में फुल ऑन वाटरप्रूफ होती है यार, बिल्कुल ब्लू कलर की। अगर हाथों में लग गई ना, मतलब ये है कि आप हैंड वॉश कर लो, कुछ भी कर लो, ये हाथों से नहीं निकलती। इसकी गम जो है बहुत अच्छे लेवल की है। तो ये आप प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हो? ये प्रोडक्ट ले सकते हो आप पाथ पेवर से। जी हाँ, ये पाथ पेवर से अपना दिल्ली में, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो पाथ पेवर्स की साइट से, मैंने वहीं से लिया सारा कुछ। सीरियसली बहुत अमेजिंग आइटम्स हैं मैक्सिमा के, पर्सनली मैं खुद यही यूज़ करता हूँ, और अभी भी अपन ये यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलो जी, अब निकलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं। पहले ही धर्मेंद्र भैया का फ़ोन आ गया है कि कहाँ पर है। मैंने कहा भैया जाग गया हूँ, बस स्टार्ट कर रहा हूँ अपना छोटा सा व्लॉग अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ। भैया अपन को मिलने वाले हैं सारस पर, चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा बाइक पर। तो अभी अपन निकल रहे हैं सीधा बाइक पे, लगाना है टॉप बॉक्स, साथ में करेंगे चैन ल्यूब। धर्मेंद्र भैया को भी जस्ट फ़ोन किया तो बोल रहे हैं मेरे को भी 2 मिनट लगेंगे, निकल रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे 3-3 चाबियाँ किस चीज़ के? भाई 2 साइड के पैनेट्स के, 1 टॉप बॉक्स के। लगाना सीरियसली बहुत ज़्यादा इजी है, और ये टॉप बॉक्स सेट। अब करते हैं जल्दी से चैन ल्यूब और निकलते हैं, टाइम फॉर अ चैन गार्ड मैक्सिमा। चैन ल्यूब डन। तो चलो जी, चलते हैं, बाबा जी मेहर करना, ये राइड अच्छे से करवाना। अपन निकलेंगे सीधा बाईपास होते हुए, सिटी में जाने का कोई सीन ही नहीं है। घर से मेरे बाईपास ज़्यादा पास पड़ता है बिना सिटी के जाना। धर्मेंद्र भी अभी घर से निकल चुके हैं, मेरे पास अभी फ़ोन आया था कि तू जल्दी से पहुँच। मैंने कहा बस मेरे को लगने हैं 2 मिनट, चढ़ते हैं यहाँ से बाईपास पर, पहुँचते हैं सीधा सेवर, डायरेक्ट मिलवाता हूँ आपको धर्मेंद्र भैया से। अभी धर्मेंद्र भी आ चुके हैं, 10 मिनट हो गए हैं भाई, अभी चाय वाय मार के फ्री हुए हैं, यहाँ से निकलना चाहिए। 2 भैया बैठे हुए हैं, बहुत सपोर्टिव पर्सन है यार, मतलब ठीक है भैया, अब निकलना चाहिए अपने को, अब ज़्यादा रुकना चाहिए ही नहीं भाई। घर से एक हो गई गलती, लाना भूल गया कैश, कोई बात नहीं,
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है सारा कुछ, जाके डलवाते हैं पेट्रोल, उसके बाद सीधा निकलेंगे भानगढ़। जल्दी मैं और धर्मेंद्र भैया एक राइड का प्लान करेंगे, लॉन्ग राइड का, अभी तो नहीं, अभी आए हुए काफ़ी टाइम, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, घर वाले चिल्लाने लगेंगे, और अभी हम कोई ख़ास यूट्यूबर बने भी नहीं हैं, तो हमारे घर वाले हमको छूट दे दें, जाओ बेटा जाओ चले जाओ, तो नहीं, अभी अपन थोड़ा वेट करेंगे, छोटी मोटी राइड मारते रहेंगे, भानगढ़ भानगढ़ और ये सब चलता रहेगा। आगे आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा जो भरतपुर में हाइड लोकेशन से जो बहुत कम लोगों को पता है, तो बस बने रहना मेरे साथ, मज़े दिलवा दूंगा भाई फुल ऑन। भरतपुर से जैसे ही निकलोगे ना, पहले तो यहाँ टोल टैक्सों के दर्शन करने पड़ते हैं, अपन तो भाई टोल फ्री ट्रैवलर हैं, अपना कोई टैक्स नहीं लगना, बट हाँ कभी कभी जब गाड़ी से जाना होता है जयपुर वयपुर के लिए, तो भाई यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरे 4 टोल देते हुए जाना है आपको, 4 देने हैं, 4 वापस में देने, मतलब 8 टोल। जयपुर जाना इज़ नॉट ईजी की रेट में, जयपुर जाना कहीं भी जाना नॉट सो ईजी, हर जगह टोल टैक्स, पेट्रोल डीजल की रेट है बहुत हो चुकी है हाई, मतलब पता नहीं महंगाई कहाँ जाके रुकने वाली है भाई। अभी लेना है पेट्रोल, करते चल रहे हैं मौज मस्ती फुल ऑन ऐश। सुबह सुबह की जो हवा आती है ना भाई, लिटरली बड़ा मज़ा सा आता है, अमेजिंग वाला भाई। आज है ट्यूसडे, ये हमारे यहाँ का फेमस मंदिर लुधावे हनुमान जी, तो हनुमान जी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ये ट्रिप सफल हो। रात तक आज हम पहुँच जाएंगे सीधा भरतपुर। तो जी इसके आने वाले हैं 2 व्लॉग, एक तो होगा भानगढ़, दूसरा मेरे को उस भानगढ़ की इस वीडियो में मेरे को बताना कि सेकंड व्लॉग किस चीज़ का होगा, बट आएगा ज़रूर, ये प्रॉमिस आपसे, तो बस वेट करना। डेरामूड आएगा आगे, जहाँ से निकलता है नदबई और खेडली का रोड, तो अपन वहीं से ही, डेरामूड के सर्किल पर ही है पेट्रोल पम्प, वहीं से लेंगे पेट्रोल सीधा, फिर आज रुकेंगे अभी मानपुर, मानपुर में आपको खिलाएंगे कचौड़ी। अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है, मैं उसका आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके वो वाला व्लॉग जरूर से देखना। हम लोग जयपुर गए थे जब मैंने बाइक ली थी सेकेंड डे, तब मैंने उस कचौड़ी वाले के बारे में बताया था आप लोगों को, जाके वो वाला व्लॉग देख लेना, मज़ा आ जाएगा, और आज वो अपन कचौड़ी दिखा भी देंगे भाई लोगों। 109 रुपये लीटर अपना है भाई, 1060 रुपये लीटर में बात करी जाए तो 9.76, मतलब आज की डेट में भाई लीटर से ज़्यादा प्राइस है। कोई नहीं, अब चलानी है तो डलवाना भी पड़ेगा पेट्रोल, पानी से तो चल नहीं सकते बेचारी, तो अच्छा हुआ टाइम से पेट्रोल ले लिया है, और रिजर्व में बाइक ऑलरेडी आ चुकी थी, बट कोई नहीं, अभी पेट्रोल फुल हो चुका है, आज ये वाली राइड कंप्लीट हो ही जाएगी इस पेट्रोल में, जहाँ तक मुझे पता है, नहीं होगी तो वो भी देखा जाएगा, फिर दोबारा डलवा लेंगे भाई। तो पेट्रोल मुझे लगा था धर्मेंद्र भैया की में होगा, बट नहीं था, धर्मेंद्र भैया की में 1000 का, मेरी में 1060 का। बेबी ज़्यादा पी रही होगे तुम, ये तुम्हारे अंदर पहले कम था, पहले से कम होगा, जस्ट जोकिंग, बट अभी एवरेज भी टेस्ट हो जाएगा आज कि BS4 और BS6 में कुछ एवरेज का फ़र्क है नहीं है, कैसा है क्या है। तो अभी चलते हैं अपन सीधा मानपुर, मानपुर पे जाके लेंगे स्टे, खिलाएंगे आपको कचौड़ी अच्छी अच्छी दाल वाली और प्याज वाली। भाई क्या मौसम हो रहा है यार, मतलब धूप भी आ रही है, बरसात भी आ रही है, भगवान प्लीज़ आज बरसात मत करना प्लीज़ भगवान जी, कल कर लेना आज व्लॉग, आज बड़ी मुश्किलों से टाइम मिला है, निकले हैं भगवान जी आज नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ भगवान जी, भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं मान जाएगी तो ठीक है भगवान जी, नहीं तो भाई बरसात भी झेलने होगी, गोपरू अंदर रखना पड़ेगा, ये व्लॉग का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये कि आज अपन भानगढ़ तो जाके रहेंगे भाई, फिर दोबारा छुट्टी नहीं मिलनी घर वालों से, हे भगवान जी मान जाओ यार मत करो प्लीज़, वैसे ही दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही, वो भी बचा कुछ अभी चला जाएगा, नहीं नहीं, मेरी जो जितनी भी फैमिली है चाहे कितनी भी है, मेरे को बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, सीरियसली कुछ मेंबर्स तो ऐसे हैं, कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लव यू ऑल भाई, सीरियसली मजाक से हटके बहुत बहुत सारा प्यार आपको आपके छोटे भाई की तरफ से, और अपना प्यार ऐसे और अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना है भाई लोगों प्लीज़। भाई लोगों यहाँ पर ना अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे हिसाब से बारिश होकर हटी है, आई एम डैम श्योर, क्योंकि रोड्स आर वेटी 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 रोड्स, तो आगे बस
होप करता हूँ कि बारिश ना मिले। वैसे मुझे सीरियसली बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, बट प्लीज़ भगवान जी व्लॉग के टाइम पे नहीं ना, कल कर देना, कल पक्के से ना लूँगा मैं, बट अभी नहीं। तो धर्मेंद्र भैया वाली राइड की तरह ये वाली राइड ना हो जाए पानी पानी। तो अभी आने वाला है भाई महुआ, महुआ यहाँ से रह गया है जस्ट एंड ओनली 10 किलोमीटर्स, देन आफ्टर अपन जाएंगे सीधा बालाजी, बालाजी से क्रॉस करने के बाद आएगा मानपुर। वहाँ क्या है भाई आप लोगों को तो पता है ना, अभी तो बताया यार, कचौड़ी बाबा कचौड़ी भाई। इधर है ना मौसम ख़राब है, कुछ कह नहीं सकते आगे बारिश मिलेगी नहीं मिलेगी, बस यही होप कर सकता हूँ कि भगवान ना मिले। अगर एक सच बात की जाए ना, सीरियसली हिमालयन को खड़े होकर चलाने में ना जो फील आता है, आहा अमेजिंग, ऐसा लगता है भाई टाइगर पे है या BMW पे है। लुक एट दिस, धर्मेंद्र भैया को भी चोट चढ़ चुका है। बड़ा मजा आता है हिमालयन को खास करके खड़े होकर राइड करने में, सीरियसली बहुत अमेजिंग फील होता है। बैलेंस भी इससे पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा अच्छा लगता है खड़े होकर इसको चलाने में, मेरा बैलेंस इसमें मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इवन आई वॉज ऑन अ सच पास तो मैंने इसको खड़े होकर ज्यादा राइड किया, बिकॉज पावर भी अच्छा बन रहा था और मेरा बैलेंस भी, बैलेंस अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। धर्मेंद्र भैया अगर भाभी मेरा व्लॉग देख रही होगी ना, सीरियसली आपकी क्लास लग जानी है घर जाके, मान जाओ बैठ जाओ। और बालाजी सामने आ चुका है भाई बालाजी, आपको ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा होगा और साथ में वो बड़ा वाला जो यू नो पोल, बस वही है बालाजी का सर्किल। बच्चे वगैरह सब ऐसे देख रहे हैं गाड़ी में से, पता ही नहीं क्या ही है यार ये, मतलब भाई सिर्फ खड़े होकर राइड कर रहे हैं, जिससे थकान हो जाती है, थकान डेली करनी पड़ती है रे यार। सो दिस इज बालाजी, और आज ही मंगलवार है और हनुमान जी का वार है, और हनुमान जी के मंदिर को प्रणाम, जय बालाजी, मैर बनाए रखना, हमें सक्सेस दिलवाए चलना। तो भाई लोगों मानपुर में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमसे तो सामान लेके चल रहा है सबसे बड़ा टॉप बॉक्स, ये आ गया सर्किल, और ये रही अपनी पंडित जी की दुकान मानपुर फेमस कचौड़ी वाली। ब्रेकफास्ट की कमी थी वो भी पूरी हो गई, पंडित जी ने पूरी कर दी। तो जी चलते हैं अब यहाँ से है जी सिकंदरा 10 किलोमीटर, और दोसा बैठेगा यहाँ से अराउंड 40 और 50 किलोमीटर, देन उसके बाद तो भाई सीधा भानगढ़। भाई भरतपुर से ना मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो राइडर्स हैं, वो साइकिल राइडर्स हैं, और लोकेश भैया वगैरह, संजय भैया, काफ़ी जने हैं। मैं पहले था उसमें, हमारे क्लब का नाम था भरतपुर साइकिल क्लब, इवन वो अभी भी है, बट साइकिलिंग मुझसे नहीं होती तो भाई मैं नहीं हूँ। तो वो लोग भाई भरतपुर से कल जयपुर गए थे, यहाँ से है अराउंड 180 किलोमीटर, मतलब भरतपुर से जयपुर 180। कल वो पहुँचे हैं, अभी वो वापस निकल चुके हैं, तो मुझे अभी लोकेश भैया मिले, बट बाई लक वो उस साइड थे, मैं इस साइड था, मैंने हाथ वाथ दिया बट उन्होंने शायद देखा नहीं, बट मैं उनको पहचान गया, मैं लोकेश भैया है। लोकेश भैया अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो सॉरी मैं वापस नहीं आया मिलने के लिए आपसे, मैं एक्चुअली भानगढ़ के लिए जा रहा हूँ। तो कोई नहीं, और अभी मेरी बात हुई थी संजय भैया से, तो संजय भैया वगैरह जो हैं बच्चे कुछ राइडर्स, वो अभी जयपुर में ही हैं। कुछ बंदों की साइकिल ख़राब हो गई थी तो वो आ नहीं पाए, पता नहीं क्या हुआ, बट ट्राई कर रहे हैं वो लोग आने का। बोल रहे हैं कि यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो दिक्कत होगी, तो दे विल ट्राई, बट सल्यूट है यार ये यहाँ से जयपुर पहुँच गए भाई, अलग लेवल। सल्यूट है भैया, लोकेश भैया, आप सबको भाई, BCC क्लब और जो भी काफ़ी इस सब जगह, मतलब जहाँ पर भी साइकिल राइडर्स हैं और बहुत लॉन्ग लॉन्ग राइड्स करते हैं, सल्यूट टू एवरीवन ब्रो, इनसेन। मतलब भाई लोग दोस्त से पहले ना भाई बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार होने वाला है, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और ये बहुत हाई लेवल पर वर्क कर रहे हैं, मतलब यार मतलब बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। मैं लास्ट मंथ आया था तब ये कुछ भी नहीं था, अभी मैं पता नहीं इन्होंने क्या क्या बना डाला भाई, अमेजिंग। लगे रहो कांग्रेस सरकार राजस्थान के लिए, लगे रहो। अच्छे लोग यार बहुत अमेजिंग होते हैं। बच्चा है ना पीछे से बहुत देर से मतलब ट्राई कर रहा है कि कब भैया आगे आए, कब मैं देखूँ, मतलब बहुत सही बंदे यार ये दोनों बच्चे यार।
भाई ये ना अपने एक फेवरेट स्टॉप है, यहाँ आके मैं जरूर से रुकता हूँ। इन भैया से बात करके ना बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, तो मैं यहाँ पर हर बार ब्रेक जरूर लेता हूँ। कैसे हो भैया? तो करते हैं भैया को बाय बाय, चलते हैं भाई सीधा भानगढ़। यहाँ से मैंने मैप लगा ली, एक्चुअली मुझे भी यहाँ से रास्ता नहीं पता था, बट अभी यहाँ से आ रहा है 31 किलोमीटर 43 मिनट्स, तो देखते कितनी देर लगती है अपने को। तो भाई लोगों यहाँ से आता है फ्लाईओवर, फ्लाईओवर ऊपर जाता है भाई सीधा जयपुर, अपने को चलना है लेफ्ट, देन फ्लाईओवर के नीचे से मारना है अपने को राइट, वो सीधा लेके जाएगा अपने को भानगढ़ के लिए। तो अपने को इस रोड पे वापस नहीं आने का है, अपने को जाने का है वहाँ से। तो ये भी एक तरीके का सर्किट है भाई, आप चाहो तो अगर आप भरतपुर से हो, बेसिकली भरतपुर आगरा वगैरह यहाँ से हो, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं दौसा होते हुए, दौसा से टर्न करके भानगढ़, भानगढ़ से आप सीधा निकल सकते हैं अलवर के लिए, अलवर से आप वापस बैक टू पवेली। कई लोग सीधा सीधा करते हैं, बट अपने को अलवर भी जाना है, और सेकंड व्लॉग आपको उसी चीज़ का मिलने वाला है, बट ये नहीं बताऊंगा मैं अलवर में कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, वो आप लोग व्लॉग देखोगे तभी पता लगेगा, इसके बाद ही वो व्लॉग आएगा। इस रूट पे मैं आया था करीबन आज से 5 साल पहले कुछ फ्रेंड्स के साथ बाय कार, और व्लॉगिंग का तो उस टाइम दूर दूर तक मेरा कोई संबंध भी नहीं था यार। मैं भानगढ़ गया हुआ हूँ एक बार पहले, दिन में ही गया हूँ, रात वात का तो मैं नहीं गया, और मेरी थोड़ा सा डर लगता है मेरे को भूत वूत और इन सब से, तो दिन में जाना ही प्रेफर करूँगा मैं। नज़ारा तो भाई सेक्सी सा लग रहा है यार,